विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर अकाउंट खुला है रेली गियर में तो आप कैसे उसे यूज़ कर सकते हैं, रेली गियर अकाउंट्स को जैसे आपके ऐप को कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से रेली गियर डायनेमी ऐप का आपको इस तरह का ऐप मिल जाएगा, इसे डाउनलोड कर लेना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। पासवर्ड डालने के बाद आपको इस तरह का नज़र आएगा जिसमें आपको यूज़र आईडी तो आपको ब्रोकर के द्वारा मिल जाएगा, पैन कार्ड और डेट ऑफ बर्थ जो आपने डाला है वो आपको डालना पड़ेगा, पासवर्ड आपको खुद से डालना पड़ेगा। ये फॉरगॉट पासवर्ड भी आप नीचे से कर सकते हैं। जैसे आप इस अकाउंट को खोलिएगा सबसे पहले आपको इस तरह का नज़र आएगा कि हाँ ये क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको इनिशियल में बताता हूँ, अगर वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं आपको दो तीन वीडियो में करके बता दूंगा जिससे आप पूरी अच्छे तरह से वीडियो को पूरा समझ सकते हैं। और मैं ये चाहता हूं कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। अगर ये 1000 सब्सक्राइबर, जैसे कि लाइव स्ट्रीमिंग तो अभी मैं कर नहीं सकता क्योंकि बिकॉज आई डोंट हैव 1000 सब्सक्राइबर, अगर मेरा वो 1000 सब्सक्राइबर ये कम्प्लीट होता है तो मैं ये आपको लाइव स्ट्रीमिंग, लाइव इंट्राडे कैसे करते हैं सब छोटी छोटी बातें बताऊँगा। मैं लाइव स्ट्रीमिंग करके दिखाऊँगा कि हाँ ये कैसे मैं खरीद रहा हूँ, किस चीज़ को मैं खरीद रहा हूँ, क्या चीज़ मैं देखता हूँ मार्केट खुलने से पहले, ये सारा कुछ। सबसे पहले आप जानिए ये इस ऐप को यूज़ कैसे करते हैं। ऐप को यूज़ करने से पहले सबसे पहले आपको यहाँ निफ्टी नज़र आएगा ऊपर में, फिर सेंसेक्स नज़र आएगा, ये सेंसेक्स नज़र आया, निफ्टी 50 नज़र आएगा, ये होता है। ये सारा चीज़ आपको ऊपर में ऐड कर सकते हैं या इसे रिमूव कर सकते हैं, ये आपको होता है। ऐड मोर कीजिए आप इसे, जैसे ऐड मोर करने के बाद आपको बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन नज़र आएंगे। ये सबसे पहले मार्केट की बात जहाँ तक हुई, फिर ये मार्केट में आपको बताएगा कि आज ये निफ्टी 50 क्या चल रहा है, ऊपर में जो ग्रीन चल रहा है, निफ्टी इतना बढ़ रहा है, निफ्टी इतना घट रहा है, अभी निफ्टी इतना है, ये सब सारा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन ये ऊपर में नज़र आ रहा है। इस तरीके से आपको नज़र आएगा। यहाँ पर टॉप गेनर और टॉप लूज़र आपको नज़र आएगा, उस दिन जो भी टॉप गेनर रहेगा वो नज़र आएगा, जो टॉप लूज़र रहेगा उस हिसाब से नज़र आएगा। दिख रहा है आपको, ये थ्री लाइन में जाना है। थ्री लाइन में जाने में आपको अकाउंट का आईडी ऊपर नज़र आएगा, सबसे पहले मार्केट नज़र आएगा। मार्केट मतलब ये जो आपको ये दिख रहा है, ये मार्केट मतलब कैसा मार्केट चल रहा है, टॉप गेनर कौन चल रहा है आज के, टॉप लूज़र कौन सा स्टॉक्स चल रहा है, निफ्टी क्या चल रहा है, 50 क्या चल रहा है, सेंसेक्स क्या चल रहा है, ये सब सारा कुछ आपको पूरा चीज़ डिटेल्स में, ये मार्केट मतलब ये मार्केट में क्या चल रहा है ऊपर वाला, मार्केट बचाने के लिए सर्च में, सर्च ऑप्शन में जाके आप जा सकते हैं। जैसे मैं सर्च ऑप्शन गया, यहाँ पे आप कोई भी स्टॉक को सर्च कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। जैसे यस बैंक मैंने यहाँ पे किया हुआ था सर्च, जैसे वो नीचे लिस्ट में आया हुआ है, आप ऊपर सर्च कीजिए, यस बैंक का यहाँ पे आया कि ये चल रहा है, जिसमें यस बैंक का बता रहा है कि अभी ये टीवीएस में ऐसे गिर रहा है, यस बैंक ओपन इतना में हुआ था, डे हाई इतना में गया, डे लो इतना में गया, ट्रेड इतना में हुआ, उसका एवरेज ट्रेड प्राइस इतना है, इसके एवरेज के हिसाब से वो इतना किया, प्रीवियसली वो कितना में गया था, 52 वीक्स हाई कौन था, लो कौन था, ये सब सारा कुछ आपको इस चीज़ में जानना है। अगर आप कुछ भी नहीं जानते ये सब चीज़ के बारे में तो प्लीज़ आप 100 सब्सक्राइबर पूरा कीजिए। मैं आपको लाइव स्ट्रीमिंग करके एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगा, आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। ये हुआ आपका स्टॉक का, पहला ये मार्केट जाने हम लोग, फिर सर्च जाने, वॉच लिस्ट में आप जिस स्टॉक को, जैसे माय वॉच लिस्ट में आपको जिस स्टॉक पे आप नज़र रखना चाहते हो, वॉच लिस्ट अपने देखने का लिस्ट बनाना, वॉच देखने जिस स्टॉक को आप देखना चाहते हैं उस स्टॉक को आप रख सकते हैं यहाँ पे, जिसके आप वो घटता है तब आप पैसा लगा सकते हैं, या बढ़ेगा आपको जिस हिसाब से देखना है कि हाँ मेरा स्टॉक बढ़ रहा है, मेरा घट रहा है, या फिर आपको ये घटेगा तब लगाएंगे हम, ऐसा देखना है आपको, जो भी पोजीशन देखना है आप यहाँ पे देख सकते हैं। माय वॉच लिस्ट में आपको यहाँ पे वॉच लिस्ट में पूरा आएगा, रिसेंटली व्यू क्या है, पोजीशन होल्डिंग क्या होगा, होल्डिंग्स के हिसाब से दिखाया कि ये वॉच लिस्ट जो आप सेलेक्ट किया है उसका क्या है, मतलब कि वॉच लिस्ट का। और मैं एक बताता हूँ ट्रेडिंग का, मैं आपको बताऊँगा कि ये ट्रेडिंग का क्या है। ट्रेडिंग मतलब कि जैसे कि कोई स्टॉक खरीदे, सबसे पहले ऑर्डर किए, जैसे मैंने आज ट्रेड किया, अगर ये लाइव सेशन रहता तो मैं आपको बताता हूँ कि कोई मैं ऑर्डर या कोई मैं ख़रीदता किसी भी तरह से स्टॉक को, तो वो दिखता कि हाँ आपने इस इतना ऑर्डर किया, इतना स्टॉक को ऑर्डर किया, इस वैल्यू में, इस प्राइस में इतनी वो स्टॉक क्वांटिटी था, सारा कुछ इसमें नज़र आता है। ट्रेड आपने मतलब वही ट्रेड किस किया, पोजीशन मतलब उस स्टॉक का, उस दिन वो इतना अप गया, उस दिन वो इतना लो गया, इस हिसाब से आपको बताया जाएगा। होल्डिंग्स में वो बताएगा, जैसे कि आप पहला दिन आप पोजीशन में खरीदे किसी स्टॉक को, आप इंट्राडे के लिए, लेकिन आपको लगा कि हाँ आज हम लॉस में जा रहे हैं तो आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है, तो आप उस दूसरे दिन में
ट्रांसफ़र कर दीजिएगा कि हाँ चलो आज नहीं बेचूंगा, ये कल बेचूंगा परसों बेचूंगा, तो उस हिसाब से आप इसे रख लिए। या फिर आपको ये शॉर्ट टर्म्स के या लॉन्ग टर्म्स के लिए करना है तभी आप यहाँ पे रख सकते हैं। ट्रेडिंग लिमिट मार्जिन यहाँ पे आपको पूरा बताएगा कि आप ट्रेडिंग कितना कर सकते हैं, ट्रेडिंग का क्या लिमिट है, कैश बैलेंस क्या है, नन कैश मार्जिन है मतलब कैश बैलेंस ही आपका अमाउंट अभी कितना बचा हुआ है, नन कैश मार्जिन मीन्स कि आपको कितना मार्जिन मिला है, आप उस दिन मार्जिन यूटिलाइज़ किए मीन्स अगर हम नुकसान में गए या गेन में गए वो बता देगा आपको कि हाँ आज इतना प्रॉफिट बुक किया आप, इतना किया आपको इतना मार्जिन मिल रहा है, इसमें ये सारा मार्जिन आपको बताएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसमें बाई कैसे किया जाता है। जैसे आपको बाई करना है, सबसे पहले आप यहाँ गए या तो आप सर्च करके कोई भी स्टॉक को पहले स्टॉक खोलना है जिस स्टॉक में चूज़ करना है। सबसे पहले जैसे मैं आपको कोई बताता हूँ इसमें बाई कैसे किया जाता है। जैसे आपको बाई करना है, सबसे पहले आप यहाँ गए या तो आप सर्च करके कोई भी स्टॉक को पहले स्टॉक खोलना है जिस स्टॉक में चूज़ करना है। सबसे पहले जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखता हूँ रिलायंस का मैं दिखा रहा हूँ, रिलायंस का खुल गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का यहाँ बताया पूरा, ओपन कितना गया, हाई कितना गया, यहाँ पे आपको बाई सेल और सेट अलर्ट दिख रहा होगा। सबसे पहले बाई का अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले बाई में आपको क्लिक करना है, आपको जिस दिन ख़रीदना है प्रोडक्ट दिखाया आपको डिलीवरी टाइप मतलब होता है जैसे आप एक दिन से ज़्यादा दिन के लिए कर रहे हैं, मार्जिन में आपको कितना करना है, कितना मार्जिन के हिसाब से आप खरीद रहे हैं, मार्जिन में खरीद रहे हैं जिसमें ब्रोकर लोगों को फ़ायदा होता है, PTST मतलब कि आप आज खरीद रहेंगे कल सेल करेंगे, ऐसा अगर आपको ऐसा है तो इस हिसाब से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑर्डर में लिमिट होता है, जैसे मैं अभी लिमिट कर रहा हूँ तो कोई भी क्वांटिटी यहाँ पे आपको क्वांटिटी डालना, एक क्वांटिटी मैं ख़रीद रहा हूँ उसका तो प्राइस मुझे डालना पड़ेगा कि जैसे अभी यहाँ पे 1561.80 दिखा रहा है प्राइस, मीन्स कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का प्राइस इतना है, तो मैं बोलूँगा कि 1561.70 जब आएगा ना तब ये ऑर्डर प्लेस करना, बस ये ऑर्डर प्लेस नहीं हो जाएगा क्योंकि आपने ये लिमिट किया हुआ है। अगर मैं जैसे यहाँ पे मार्केट कर दूँ तो ये मार्केट का उस समय जो वैल्यू, क्योंकि वो मार्केट जब चलता है तो वो फ्लक्चुएट करते रहता है, ऊपर नीचे जाते रहता है, तो उस समय जो क्वांटिटी अवेलेबल रहेगा वो आपके लिए तुरंत बाय हो जाएगा। मैं ज़्यादातर प्रीफर करता हूँ मार्केट को ही खरीदने, क्योंकि एक दो से कुछ होता नहीं है, आपको लग रहा है कि मार्केट अगर बुलिश है तो आप मार्केट में करके खरीद सकते हैं, फिर यहाँ स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, आप स्टॉप लॉस को यहाँ ऑन कीजिए, आपको ट्रिगर करना है जिस प्राइस पे, मतलब कि ये इतना प्राइस पहुँचे उसके बाद हो जाए बस, मैं इससे ज़्यादा नहीं सह सकता लॉस, या मुझे इससे ज़्यादा तो लोभ नहीं करना है, मुझे इतना प्रॉफिट में रख लेना है बस, इतना आपको करना है। तो ये वैलिडिटी में आपको जनरली आप डे ही वैलिडिटी रखिए, वैलिडिटी मतलब आपको उसी दिन ही ख़रीदना है तो आप वैलिडिटी डे के हिसाब से रखेंगे, और डे आफ्टर IOC मतलब हुआ कि आप एक दिन से ज़्यादा में ख़रीदना चाहते हैं उसके बाद आप ये प्लेस ऑर्डर को कीजिएगा। अभी मेरा प्लेस ऑर्डर नहीं होगा, मार्केट बंद है और ना मेरे पास कैश है इसलिए। तो ये रहा था, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको और भी, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, और भी जानना है तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा जो कि मैं कुछ दिन में वापस लाऊँगा। और प्लीज़ से प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद मैं आपको लाइव स्ट्रीमिंग दिखाऊंगा इसमें कि लाइव स्ट्रीमिंग, और मैं आपको इंट्राडे करके दिखाऊंगा अपने अकाउंट में कि कैसे मैं इंट्राडे करता हूं, और मैं उससे पहले भी बताऊंगा कि मैं इंट्राडे 9:15 में स्टार्ट होता हूं, उससे पहले मैं क्या क्या करता हूं, क्या हाँ मैं सर्च करता हूं, क्या करता हूं, किस चीज़ पे मैं फोकस रखता हूं, और मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें कैसे मैं प्रॉफिट बुक करता हूं, 10 में से 9 बार मैं प्रॉफिट बुक करके आपको ज़रूर दिखा दूंगा। ठीक है, इसी के साथ।